Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. उसी टाइप के क्वेश्चन में बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है, परचेजेस और परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आपके सामने दिया हुआ है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल। 40% ऑन सेल का मतलब होता है 40% ऑन नेट सेल्स। सबसे पहले हमने निकाला नेट सेल्स। नेट सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, दैट इज 40,000 प्लस 1,66,000 माइनस सेल्स रिटर्न 5,000 इक्वल टू 2,01,000। एक आंसर आ गया नेट सेल्स का। नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुत सिंपल, 40% ऑन सेल्स, दैट इज 40% ऑफ 2,01,000 आ गया, कमिंग आउट टू 80,400 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस वगैरह की फिगर निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में जाना पड़ता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास होना चाहिए जो कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है। क्वेश्चन में दोनों फिगर्स हैं, नेट सेल्स 2,01,000, 80,400 ग्रॉस प्रॉफिट, तो 1,20,600 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी सिंपल, अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला लगाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, जो कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल चुके हैं 1,30,600 रुपए, ओपनिंग स्टॉक ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी फिगर तो हमारे पास नहीं होगी। परचेज की फिगर हमें दी हुई है 1,24,000, परचेज रिटर्न की 4,000, 8,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक 38,000। सो 1,24,000 माइनस 4,000 परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 38,000। सो इस साइड पर हमारी फिगर आ गई, ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,20,000 प्लस 8,000 माइनस 38,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 90,000 और इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर हमारे पास है ही 1,20,600। सॉल्ट खत्म। देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक विल बी, ये 90,000 की फिगर दूसरी तरफ ले जाकर हम नेगेटिव कर देंगे, 30,600। एक बार मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले मेरे को सेल्स नेट करनी पड़ेंगी, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और इन दोनों की हेल्प से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। ये रहा 1,20,600। फिर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दोबारा पकड़ा, ये रहा आपके सामने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और इसमें गिवन सारी फिगर्स को मैंने पुट कर दिया और पुट करते ही मेरे पास आंसर ओपनिंग स्टॉक आ गया। ओके, डन।